बाढ़ आपदा के इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। डबल इंजन की सरकार आपके हितों पर कार्य करेगी। यह बातें गुरुवार को सीएम योगी ने बलरामपुर में बाढ़ प्रभावितों से संवाद करते हुए कही। सीएम ने कहा कि बाढ़ से बचाव को लेकर पूर्व में ही तैयारी की गई थी, जिसको लेकर सरकार के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। चूंकि बाढ़ हर वर्ष अगस्त व सितंबर माह में देखने को मिलती थी, इस बार जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ गई। अचानक आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ। बलरामपुर में तकरीबन 5 दर्जन गांव व नगर बलरामपुर प्रभावित हुआ है। तकरीबन 32,000 हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। प्रभावित गांवों में दैनिक उपयोगी सामान, राहत सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टि से आवश्यक दवाओं का वितरण व मेडिकल टीम लगी है। जनहानि व पशुहानि पर अविलंब सहायता राशि तथा फसलों के नुकसान को लेकर सर्वे कर सहायता राशि देने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया है। सदर विकासखंड के ग्राम सोनार मझोवा में पाल प्रभावितों से संवाद करते हुए उनसे उनका हाल जाना। जनहानि से प्रभावित परिजनों को सहायता राशि चेक व राहत सामग्री वितरण किया गया। सीएम योगी ने प्रभावित परिवारों से संवाद करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। प्रभावितों से संवाद के दौरान सीएम ने बच्चों को गोद में लेकर दुलार किया। सीएम के द्वारा बच्चों को दुलार करते देख बाढ़ पीड़ित भाव विभोर रहे। 15 से लेकर 17 लाख की आबादी इन 12 जनपदों में प्रभावित हुई है, और जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, सांझापुर से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद भी इस बाढ़ से असमय प्रभावित हुए हैं। हम सब ने बाढ़ बचाव के उपाय समय से प्रारंभ किए थे, और अक्सर बाढ़ इन क्षेत्रों में अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर में आती थी। गत वर्ष अक्टूबर माह में भी बाढ़ देखी गई थी, लेकिन इस बार बाढ़ जुलाई प्रथम सप्ताह में ही आई। अचानक में आई बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ, अन्य प्रकार से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ, लेकिन सभी विभाग पहले से ही इसके लिए अलर्ट भी थे। अभी मैं श्रावस्ती से आया हूं, कैसे 11 लोगों को जो नदी के बीच में फंस गए थे, अचानक बाढ़ के कारण रात्रि में रेस्क्यू करके उन्हें पीएसी की फ्लड यूनिट ने वहां से सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। ऐसे ही अन्य जगहों पर भी, बलरामपुर जिले की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी आबादी यहां पर इससे प्रभावित है। स्वयं बलरामपुर कस्बे में भी पानी घुस गया, लगभग 4 से 5 दर्जन गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। आवागमन बहुत सारे गांवों का बंद सा हो गया, मुख्य मार्ग बाधित हो गए, जनजीवन प्रभावित हुआ। सरकार ने पहले से ही प्रशासन को इसके बारे में निर्देशित किया था कि पहले से ही हम नौकाओं की व्यवस्था करके रखें, जो प्रभावित परिवार हों, जिनके घर के अंदर पानी घुस जाए, उनको फूड पैकेट उपलब्ध करवाएं, राहत पैकेट भी उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें, और साथ साथ अन्य सामग्री जो भी एक घर के लिए आवश्यक है वह सभी करने के साथ साथ मेडिकल की व्यवस्था भी, क्योंकि बरसात के समय तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्किन से संबंधित होती हैं, जल जनित होती हैं, और पानी निकलने के बाद भी मच्छर आदि के प्रकोप के कारण कुछ बीमारियां होने की संभावना होती है। इन सब की सावधानी हमें प्रारंभ से ही करनी होगी। बाढ़ के अंदर पानी भरने के कारण सांप के काटने, बिच्छू के काटने,
और अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ कुत्तों के काटने की शिकायतें भी सामने आती हैं। तो इसके लिए एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के वैक्सीन भी जगह जगह हॉस्पिटल में रखवाने के लिए पहले से निर्देशित किए गए। बाल राहत सामग्री को समय पे टेंडर करके पीड़ित परिवारों को, प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए और यह भी व्यवस्था की गई थी कि अगर जनधन की हानि होती है तो जनहानि पर आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता परिवारजनों को तत्काल उपलब्ध करवा दें। पशु हानि पर भी अनुमन्य सहायता और सब पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवा दें। और यही नहीं, फसलों की भी जो नुकसान हुआ है, फसलों के नुकसान के लिए भी हमें व्यवस्था सुनिश्चित कराएं कि फसलों के नुकसान के लिए सर्वे करते हुए अविलंब वह पैसा भी उनके खातों में चला जाए जहां फसल को नुकसान हुआ है। यहां पर हमारे जनप्रतिनिधिगण बाढ़ बचाव के कार्य के साथ प्रशासन की पूरी मदद कर रहे हैं। परसों ही जल शक्ति मंत्री और प्रमुख सचिव सिंचाई ने इन पूरे क्षेत्रों का दौरा किया था और बाढ़ और राहत कार्यों को तेजी करने के लिए उन्होंने यहां पर व्यवस्था भी बनवाई थी। मैं स्वयं भी कल पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के दौरे पे था, आज श्रावस्ती और बलरामपुर के दौरे पर जगह जगह इन कार्यक्रमों को मैं देख रहा हूँ। आज के इस अवसर पर सभी बाढ़ पीड़ितों के साथ यहाँ पर लगभग 50,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें 32,700 हेक्टेयर से अधिक भूमि भी, कृषि भूमि इससे प्रभावित हुई है। यहाँ पे NDRF, SDRF और PSC की फ्लड यूनिट के साथ साथ प्रशासन के स्तर पर भी नौकाओं की व्यवस्था की गई है। लंच पैकेट, खाद्यान्न पैकेट ये सब उपलब्ध कराई जा रही है। जनहानि पर अभी 2 परिवारों को हम लोगों ने यहाँ पर चेक वितरित किए। पशु हानि पर भी आपदा राहत कोष से पैसा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना में उन परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था की गई है। और बरसाती पानी चूँकि तमाम प्रकार से संक्रमित होता है, इसलिए छान करके गर्म करके ही इस पानी का सेवन करें, उसमें क्लोरीन की गोली भी डालें, जिससे किसी भी प्रकार के जीवाणु और वेक्टर बॉर्न डिजीज यानी विषाणु जनित कोई बीमारी से बचाने में वह मदद कर सके। मेडिकल टीम को भी निर्देशित किया गया है। सरकार की पूरी संवेदना आप सभी पीड़ित जनों के प्रति है, प्रभावित परिवारों के प्रति है। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनके प्रति हमारी संवेदना है। जहां पर धनहानि हुई है उनके प्रति भी हमारी पूरी सहानुभूति है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि सरकार इस आपदा की घड़ी में आपके साथ खड़ी है और डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य करेगी। जनप्रतिनिधिगण, हमारे विधायकगण यहां पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ मिलकर के बचाव और राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य करते हुए प्रशासन को गांव-गांव में राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था भी करवाने में अपनी मदद करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माँ पाटेश्वरी से मैं ही प्रार्थना करता हूँ कि इस आपदा से जल्दी राहत मिले और लोग सामान्य जीवन अपना व्यतीत कर सके। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं।